और बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश में संचालित गौ आश्रय स्थलों, संचारी रोग टीकाकरण एवं अन्य योजनाओं के निरीक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारी दुग्ध आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ शशिभूषण लाल सुशील ने विगत दिवस बीती सायंकाल विकास भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में आवारा गौवंशों के संरक्षण, गौ आश्रय स्थलों के रखरखाव, गौवंशों को हरा चारा, चूनी, चोकर, पानी आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने भी प्रतिभाग किया है। बैठक में नोडल अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जो गौवंशों हेतु जो भी शासनादेश जारी हुए हैं उनका 100% पालन किया जाए। नोडल अधिकारी को रनिया कस्बे क्षेत्र में आवारा गौवंश दिखाई पड़ने पर उन्होंने उप जिलाधिकारी अकबरपुर व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रनिया को निर्देशित किया कि सड़कों व कस्बे में घूम रहे आवारा गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों पर संचालित किए जाए। उन्होंने कहा कि शासन के सख्त निर्देश हैं कि गौवंश आवारा सड़कों में ना घूमें, उन्हें गौशालाओं में अवश्य संरक्षित करें। नोडल अधिकारी ने पशुपालन विभाग व जिला पंचायत राज अधिकारी विभाग को निर्देशित किया कि जहां ज़्यादा गौवंश हैं वहां और गौशालाएं बनाए जाने की कार्यवाही करें। जनपद में कहीं भी आवारा गौवंश ना घूमें, उन्हें कैटल कैचर मशीन से गौवंशाओं में संरक्षित करें। गौशालाओं में लगे केयरटेकर का समय से वेतन का भुगतान किया जाए। गौशालाओं में सिड़, भूसा, पानी आदि की व्यवस्था रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी को अवगत कराया कि जनपद के नगर निकायों द्वारा गौग्रास योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से घरों से रोटी व खाद्य पदार्थ एकत्र कर गौशालाओं में भेजी जा रही है। इस पर नोडल अधिकारी ने प्रसन्नता जाहिर की तथा और अच्छे से योजना का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने गाय के गोबर से प्रोडक्ट तैयार करने की बात कही है। वहीं उन्होंने संचारी रोग के तहत साफ सफाई कराए जाने व अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अकबरपुर वागीश कुमार शुक्ला, डीसी मनरेगा हरिश्चंद्र, प्रभु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवकी नंदन लावनिया आदि अधिकारी गढ़वा, समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।